BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से परेशान ग्रामीणों के साथ ब्लॉक प्रमुख ने SGO से वार्ता कर दिया ज्ञापन। आपको बता दें कि हसैन क्षेत्र के कई गांवों में एक सप्ताह से विद्युत आपूर्ति ठप होने से परेशान ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता तेजवीर सिंह सिसोदिया, युवा नेता सचिन ठाकुर के साथ मिलकर SGO हसैन GP गुप्ता जी को समस्या से अवगत कराया व समस्या के संबंध में दिया ज्ञापन। SGO हसैन ने बताया कि बरसात होने व लेखपाल के द्वारा सर्वे समय पर न करने के कारण कार्य में देरी हुई है। SGO ने कहा कि आदेश मिलने पर युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसमें जो है खम्भे टूटे थे तीन और खेतों में लाइन थी, तो जो नई लाइन बननी थी वो सड़क के किनारे बननी थी, उसमें खंभे लगने थे 9। हमने जो है अपने पत्र में दोनों चीजें लिखी थी कि इतने खंभे टूटे हैं और लगने इतने हैं, लेकिन वहां से जो सत्यापन अभी होकर के आया है वो केवल 2 खंभे का होकर के आया है। 3 की जगह पे भी उन्होंने 2 का किया था, जिसकी वजह से जो है वो उतने खंभों में लाइन बनाना संभव नहीं है। मैंने दोबारा भेजा है, प्रमुख जी ने भी बात करी है, और अगर सत्यापन हो गया अभी हमें मिल जाता है तो हम जो है कल शाम तक हम इस लाइन को हर हालत में चालू कर देंगे। इसका क्या कारण रहा है? 19 तारीख को बारिश आई थी और बारिश बहुत ज़्यादा थी, खेतों में पानी भर गया था, उसमें 3 खंभे टूट गए थे गांव लोधीपुर पर जी। उसके बाद जो है वो मेन लाइन थी, उसके पीछे जो है 4-5 नगले हैं करारमई या ये जो भी हैं, तो इनकी लाइन जो है उसी सप्लाई से बाधित हो गई थी। ये खंभे सत्यापन के लिए जो है वहाँ पे खेतों में जो है पानी होने के कारण खंभे लगाना संभव नहीं था, तो सत्यापन के लिए SDM साहब के पास भेजा गया था और सत्यापन जो है अभी तक प्रॉपरली होकर के हमें मिला नहीं है। जैसे ही मिल जाता है हम लोग जो है इसको युद्ध स्तर पर काम करा के लाइन चालू करा देंगे। ये बिजली की समस्या के लिए लेकर आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पे आए हो जो क्या समस्या है, क्या बात है, पूरी बात बताओ। 10 दिन हो गया नगला मियाँ के अंदर दसियों गांव उस पे आ रहे हैं, लोधीपुर करारमई नगला मियाँ दुबई तमाम नगला सेखा 10 दिन हो गया खंभे टूटे हुए। बिजली विभाग के सारे अधिकारी लाइनमैन से लेकर JE से लेकर SDO से लेकर SDM से लेकर एक्सियन से लेकर सारे सो रहे। मैंने फोन किया है, फोन नहीं उठाते हैं, मुझे हार के यहाँ ऑफिस में आना पड़ा है। सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रखी हैं लोगों ने। सरकार इनको तनख्वाह दे रही है, काम करने के लिए तनख्वाह दे रही है, न कि बैठने के लिए तनख्वाह दे रही है। आराम से सो रहे हैं, AC में आराम से बैठे हैं अधिकारी। हमारे सरकार की मंशा ये है कि 18 घंटे काम नहीं करते, 12 घंटे काम नहीं करते, कम से कम 10 घंटे तो रह के काम करें। सरकार इनके लिए तनख्वाह दे रही है, इसी के लिए तनख्वाह दे रही है कि पब्लिक के बीच में रह करके ये काम करें, पब्लिक की सुने, पब्लिक का फोन उठाएं, उनका काम करें। न फोन उठाते हैं न काम करते हैं।